दस रियाल भाई, दस रियाल, ये भी दस रियाल का। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ यहाँ मस्जिदुल हराम, बड़ा सा आपको क्लीनिंग दिखाएंगे यहाँ, और फिर चलेंगे इब्राहिम खलील रोड की तरफ। यहाँ पर टॉप पे मैंने नमाज पढ़ी है यहाँ पर, और नीचे उतरा हूँ तो थोड़ा रश कम हो गया। अभी हम नीचे जा रहे हैं क्योंकि वहाँ जो है ना काम जो है क्लिनिक वो शुरू हो चुका है। देखें भाई, ये सारी क्लिनें यहाँ पर जमा होकर पड़ी हुई हैं। ये भी देख लें, छोटे से काम के लिए बड़ी सारी मशीन। गाड़ियाँ निकलना शुरू हो गई हैं भाई सफाई के लिए। मैं यहाँ पर खड़ा था और कबूतर ने देखे क्या किया। ये देखिए उधर ऊपर, इसका क्या हल करने। जल्दी जल्दी चेयर उठाओ। यहाँ पर अभी सफाई चल रही है, हम अभी चलते हैं इब्राहिम खलील रोड की तरफ। देखें यहाँ से चलते हैं, यहाँ से तो आगे हम चले जाएंगे इब्राहिम खलील रोड की तरफ, और इस तरफ है बैंक वगैरह और सिम वगैरह के यहाँ पर दफ्तर हैं। इस तरफ है क्लॉक टावर की बिल्डिंग। ये देखें, ये फीस भी लीला लाइन लगी हुई है, ये जो यहाँ पर आके खाना बांटते हैं ना, ये उनकी लाइन लगी हुई है ना। अभी ये यहीं से शुरू होएगा, ये पूरी लाइन लगी हुई है। इस तरह इब्राहिम खलील रोड की तरफ जाएँ तो इस तरफ है मैकडॉनर और ये है अलबैक। वहाँ से थोड़ा सा आगे आएँ तो इस तरफ देखें ये शॉप्स वगैरह शुरू हो जाती हैं यहाँ पर। यहाँ खजूर वगैरह सब कुछ मिलेगा, लेकिन हमने यहाँ रुकना नहीं है, हमने आगे जाना है। देखें ये सारे यहीं पर खड़े होके जाना हाथ में रख के बेच रहे हैं, ऐसे पुलिस वाला आएगा और ये सारा छोड़ के भाग जाएंगे। वो देखो भाग गए वो पीछे पुलिस वाला सेवल में आ गया, और वो देखें वो भाग गए लड़का, वो पकड़ के ले जा रहे हैं किसी को। ये देखें ना गाड़ी भरी हुई है उसने, ये देखें ये अभी सबका सामान लेके जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अलाउ नहीं है ना, इस तरह बस्ता लगा के नहीं बैठ सकते। ये देखें यहाँ पर तो बैठे हुए हैं सारे, यहाँ पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन वो वहाँ पर हरम के साथ खड़े हुए थे। वाहिद हब्बा अशरा, अच्छा चार पीस जो हैं दस रियाल के, छोटी जानी माज है बच्चों के लिए कम। ये एक है जी दस रियाल का, ये एक पीस है दो रियाल का, दसवीं का। इस तरह तो बड़ी शॉप्स हैं, ये देखें जो बस्ते वाले होते हैं ना यहाँ से माल सस्ता मिल जाता है। चाय वाली चैन के मुख्तलिफ डिज़ाइनों से, सुरमा, सुरमेदानी, दूसरे सुरमे। ये भी चैन के हैं, देखें भी बच्चों के छूट भी लगे हुए हैं। कितने का? 25। 25 का है भाई, कितने का भाई? 25 का, जो रोड पे लेके खड़े हैं वो 25 रियाल का। कम आधा चैन की। उस तरफ भाई गोल्ड की शॉप है, देख रहे सारे रश लगा हुआ है, घड़ियां हैं भाई। कम वाहिद अब्बा 10 रियाल, ये देखो 10 रियाल, ये भी 10 रियाल, क्या बात है, ये भी 10 रियाल, ये भी 10 रियाल का। अरे ये तो कुछ ज्यादा ही सस्ती थी यार, 10 रियाल में अच्छी अच्छी थी। ये भी वही लेके बैठी, लेकिन उधर कुछ ज्यादा रश है। आगे चल के थोड़े होटल वगैरह आपको दिखाता हूँ। कम हवा अब सर 5 रियाल का भाई, 5 रियाल, ये भी 5 रियाल, वो वाला बढ़िया यही है, ये 20 रियाल, ये 20 का है, 20 रियाल, ये 10, अगर ये 2 ले तो 20 रियाल का यार। ये जानी माजे हैं और आगे कुरान है, किताबें हैं सारी, ये देखिए सारे कुरान है। आगे आज ही असली गुजरा वाला होता है, देखते हैं बाकी सारे नकली होते हैं। ये देखिए ये लगा है, रोड के उस तरफ कुछ अलग ही चीज नजर आई है, ये मस्ती से बैठी हुई है। इस तरफ है जूस की दुकान, और इस तरफ देखें किस तरह से इन्होंने डेकोरेशन की हुई है, ये सारे नकली पड़े हुए हैं, एक भी असली नहीं है। चिड़ियाँ भी सारी नकली हैं, एक वो लगी हुई है। एक जूस ले लेते हैं यहाँ से। हादा कम तब जी, हादा बाहर
नया वाला उठा के देगा वो फ्रिज में से। शुक्र दस रियाल का दो। ये तो ख़त्म भी हो गया पर पता भी नहीं चला। इस बलान को देखें भाई, ये देखें, ये देखें भाई, इंशाल्लाह तबारक अल्लाह। यार देखने में तो कुछ सही लग रहा था लेकिन वो कच्चा मांस उतार रहा था, मैंने नहीं लिया इस वजह से। आगे एक और शोरमे वाली शॉप मिल रही है, ये देखते हैं। यहाँ पर ज़्यादा शोरमा तो ज़्यादा नहीं, पाकिस्तानी होटल हैं लेकिन अंदर अंदर गलियों में, बाहर मेन पे शोरमे की ज़्यादा है और परोस ज़्यादा। लेकिन मुझे यहाँ के शोरमे कुछ सही नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों दिल खट्टा खट्टा हो रहा है। उनका मांस बीच में से निकल रहा है ना, कच्चा ही उतार रहे हैं रश की वजह से। दूर से ही मुझे मतलब पाकिस्तानी का बोर्ड एक नज़र आया, वहाँ पर चलते हैं और वहाँ से देखते हैं कि उसमें क्या है। ये देख है तो सही मतलब पाकिस्तानी, लेकिन इसमें है क्या देखते हैं ज़रा। सालन है प्योर पाकिस्तानी सालन रोटी। चलते चलते भाई मिसला कुबरी के पास आ गए हैं और वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।